Good morning friends, this is Aparna and welcome to your own channel ABC about English. So, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी. आज की स्टोरी का नाम है द गोल्डन टच. आज के टाइम में हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है. कितना अच्छा हो अगर हम इंग्लिश स्टोरीज के जरिए सीख सकें. तो लर्न इंग्लिश थ्रू बेड टाइम स्टोरीज हमारी सीरीज है और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप जाके अदर वीडियोज भी विजिट कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी. द गोल्डन टच. गोल्डन का मीन्स होता है सुनहरा. ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. देयर वंस वॉज अ किंग नेम्ड मिडास हु डिड अ गुड डीड फॉर अ सैटे. सैटे एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीक के भगवान या ग्रीक के गॉड. ठीक है, और डीड का मतलब होता है कार्य, काम. देयर वंस वॉज अ किंग. एक बार एक समय में किंग रहा करते थे नेम्ड मिडास. मिडास उनका नाम था. हु डिड अ गुड डीड, जो कि अच्छे काम किया करते थे फॉर अ सैटे. ठीक है, ग्रीक के गॉड के लिए अच्छे काम किया करते थे. एंड ही वॉज देन ग्रांटेड अ विश बाय डायोनिसस द गॉड ऑफ वाइन. देखिए, ग्रांटेड जो कि ग्रांट का सेकेंड फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकारना. विश का मतलब होता है इच्छा. डायोनिसिस गॉड का नाम है, जिन्हें गॉड ऑफ वाइन भी कहा जाता है, मतलब वाइन के देवता. ठीक, तो ही वॉज देन ग्रांटेड. फिर उन्हें ग्रांट किया गया, स्वीकार किया गया उनकी एक इच्छा को. ठीक है, बाय द डायोनिसिस. ठीक है, डायोनिसस, डायोनिसस ने उनकी एक इच्छा स्वीकारी, जो कि क्या थे, गॉड ऑफ वाइन थे. फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड. ठीक है, अब उनकी इच्छा के लिए, फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड, मिडास ने बोला कि दैट व्हाटएवर ही टच्ड, जो भी वो टच करें वो टर्न टू गोल्ड, वो गोल्ड में बदल जाए, वो सोने में बदल जाए. डिस्पाइट डायनेसिस एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट. अब देखिए, डायनेसिस ने काफी ज्यादा कोशिशें की, प्रयास किया. एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने का. ठीक है, तो डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद. इसके बावजूद डायनेसिस ने काफी प्रयास किया रोकने का उसे. ठीक है, मिडास प्लीडेड दैट दिस वॉज अ फैंटेस्टिक विश एंड सो इट वॉज बिस्टोड. मिडास विनती करता रहा, है ना, उसने विनती की दैट दिस वॉज अ फैंटेस्टिक विश. फैंटेस्टिक का मतलब होता है जबरदस्त. ये एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा है. ठीक है, ये कहता रहा कि ये जो वरदान है, ये इच्छा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड सो इट वॉज बिस्टोड. बिस्टोड, बिस्टो का सेकेंड फॉर्म है, और जिनका मतलब होता है कि प्रदान करना, तो उसे प्रदान कर दी गई. ठीक है, जो इच्छा थी उसने मांगी थी, हर चीज जो भी वो टच करे वो सोने में तब्दील हो जाए, सोने में बदल जाए, ऐसी इच्छा उसे दे दी गई, प्रदान कर दी गई. एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न्ड पावर, वो काफी उत्तेजित था. एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना. ठीक है, एक्साइटेड अबाउट, अबाउट का मतलब बारे में. हिज न्यूली अर्न्ड पावर, नई प्राप्त हुई शक्ति के बारे में वो काफी उत्तेजित था, एक्साइटेड था. मिदास Started touching all kind of things. मिडास क्या कर रहा था? Started, वो टच करने लगा all kind of things. ठीक है, छूने लगा वो हर तरीके की चीजों को. टर्निंग each आइटम इंटू प्योर गोल्ड, और हर एक आइटम टर्न होते गए, बदलते गए, तब्दील होते गए प्योर गोल्ड में, शुद्ध सोने में. But soon मिडास became hungry. पर बहुत ही जल्द उसे भूख लगने लगी. वह एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड. अ पिक्ड, पिक का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है उठाना या उठाया. ठीक है, तो पिक्ड अप, ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, उसने फूड के एक पीस को उठाया. एंड ही फाउंड ही कुडंट ईट इट, उसने पाया कि वह उसे खा नहीं सकता है. इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड, और वो जो पीस ऑफ फूड था, खाने का जो टुकड़ा था, वो उसके हाथों में ही गोल्ड में तब्दील हो गया, टर्न हो गया, बदल गया. हंग्री, भूखा. मिडास ग्रोन्ड, आई विल स्टार्व.
ग्रोंड जो है, ग्रोन की सेकेंड फॉर्म है, ग्रोन का मतलब होता है कराहना, तो वो मिडास जो है वो कराहा कि आई विल स्टार्व, मुझे भूख लग रही है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल, शायद ये उतनी शानदार इच्छा नहीं थी, ये विश जो वरदान था वो उतना अच्छा नहीं था। सीइंग हिज डिसमे, मिडास बिलव्ड डॉटर थ्रू हर आर्म अराउंड हिम टू कंफर्ट हिम। देखिए डिसमे का मतलब होता है बेचैनी, बिलव्ड मतलब प्यारी, थ्रू थ्रो का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है फेंका, पर यहाँ इसका मतलब रखा है। हर आर्म, आर्म का मतलब हाथ, बाहें, बाहें होता है, अराउंड हिम उसके आसपास, टू कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है। तो सीइंग हिज डिसमे, उसकी बेचैनी देखकर, मिडास बिलव्ड डॉटर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम टू कंफर्ट हिम, मिडास की प्यारी सी डॉटर ने उसे कंफर्ट करने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए अपनी बाहें उसके आसपास रखी। एंड शी टू टर्न टू गोल्ड, और वह खुद भी सोने में बदल गई। द गोल्डन टच इज नो ब्लेसिंग, द जो गोल्डन टच है वो एक वरदान नहीं है, ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, वो कोई वरदान नहीं है। मिडास क्राइड, मिडास रोया, क्राइड क्राई का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है रोना, तो मिडास क्राइड, मिडास रोया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, ग्रीड का मतलब होता है लालच और डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, नाश, विनाश, ठीक है। तो लालच हमेशा हमें ले जाता है हमारे पतन की तरफ, डाउनफॉल की तरफ, तो ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। सो आज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी थी द गोल्डन टच, जिसमें हमने देखा एक किंग था मिडास, मिडास को एक विश ग्रांट हुई थी और मिडास ने उस विश में गोल्डन टच की मांग की थी कि वो जिस भी चीज को छुए वो टर्न टू गोल्ड, टर्न इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में तब्दील हो जाए, बदल जाए। और ये विश उसने जब मांगी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था है कि उसके लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है उसकी और उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा कि उसके लालच के कारण उसने अपनी बिलव्ड डॉटर जो है, प्यारी सी छोटी बेटी को, ठीक है, खो दिया, वो गोल्ड में तब्दील हो गई, गोल्ड में बदल गई। ये गोल्डन टच कोई ब्लेसिंग नहीं थी, ये अंत में उसे आखिरी में समझ में आया मिडास को, और वो इसके लिए काफी पछताता है, बट उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, वहां से उसका पतन शुरू हो जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी स्टोरी का मोरल यही था कि ग्रेड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.